बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 व इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 में शामिल हुए विद्यार्थियों को उनकी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाने का एक मौका दिया है। जिन विद्यार्थियों की मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट में नाम माता पिता के नाम में कोई त्रुटि है या कोई स्पेलिंग गलत है, जाति कोटि या लिंग में कोई गलती है, वह अपने प्रमंडल स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 4 अगस्त 2021 से 11 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ विद्यार्थी को साक्षी के तौर पर दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। ऐसे परीक्षार्थियों को अपनी मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मूल सर्टिफिकेट में त्रुटि सुधार के लिए शपथ पत्र, बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी के साथ आवेदन स्कूल के प्रिंसिपल को जमा कराएंगे। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 तथा इंटरमीडिएट व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मूल सर्टिफिकेट में त्रुटि सुधार हेतु समिति द्वारा एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है। इसके तहत जिन परीक्षार्थियों के उक्त परीक्षा से संबंधित जारी किए गए मार्कशीट एवं मूल सर्टिफिकेट में नाम माता पिता के नाम में लघु त्रुटि अर्थात स्पेलिंग की गलती, जाति कोटि एवं लिंग संबंधित विवरण में त्रुटि रह गई है, तो वे अपने प्रमंडल स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 4/8/2021 से 11/8/2021 तक आवेदन साक्ष्य सहित जमा करेंगे। ऐसे परीक्षार्थी अपने मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मूल सर्टिफिकेट में त्रुटि सुधार हेतु शपथ पत्र, समिति द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड की छाया प्रति के साथ अपना आवेदन विद्यालय के प्रधान को जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधान त्रुटि सुधार हेतु जमा किए गए आवेदन एवं संलग्न साक्षी की जांच विद्यालय में संधारित अभिलेख से करेंगे तथा सत्यापन के लिए इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ आवेदन को अग्रसारित करते हुए परीक्षार्थियों को देंगे। परीक्षार्थी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा सत्यापित आवेदन की प्रति एवं निर्धारित शुल्क के साथ अपने प्रमंडल स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के काउंटर पर जमा करेंगे एवं रसीद प्राप्त करेंगे। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालय परीक्षार्थियों के द्वारा जमा किए गए आवेदन तथा उसके साथ संलग्न साक्ष्यों की भलीभांति जांच कर संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन स्वीकार करेंगे एवं परीक्षार्थियों को रसीद देंगे। मार्कशीट में संशोधन की कार्रवाई होने के बाद परीक्षार्थी अपना संशोधित मार्कशीट यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मूल सर्टिफिकेट जो है की दूसरी प्रति प्राप्त करेंगे।